नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं चित्रकूट में स्थित राम घाट का दृश्य। चित्रकूट के घाटों में से एक राम घाट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि राम घाट वह स्थान है जहां भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण ने संत गोस्वामी तुलसीदास से बातचीत की। तुलसी चबूतरा घाट के पास एक मंच है, जिसके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी गई महाकविता रामचरितमानस यहीं लिखी थी और आज इसे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। राम घाट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वनवास काल के दौरान श्री राम जी चित्रकूट आए थे और उन्होंने मंदाकिनी नदी पर इसी स्थान पर स्नान किया था, इसलिए इस जगह को राम घाट के नाम से जाना जाता है। राम घाट बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है। राम घाट में आप नाव की सवारी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रंग बिरंगे नाव देखने के लिए मिलते हैं, जो पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं। राम घाट चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर घाट है। इस घाट के किनारे आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। आपको एक तरफ हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। रामघाट में आपको तुलसी जी की प्रतिमा भी देखने के लिए मिलती है। तुलसीदास की प्रतिमा के बाजू में ही मंदाकिनी नदी का आरती स्थल स्थित है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी की आरती होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हम आप तक ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। जल्द मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।